चुप्पी हमारे देश की व्यवस्था का, समाज की व्यवस्था का एक बड़ा अंग है। इस पर एक लंबी कविता लिखी है जिसके लगभग 29 भाग हैं। कविता प्रस्तुत है, चुप्पी भाग एक। इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है तथा चुप्पी की परंपरा। बोलना आते ना आते चुप रहना सिखा दिया जाता है, यूं कह लो कि घुट्टी में पिला दिया जाता है। मां अपनी बेटी को कहती है, चुप रहना बेटी, ससुराल में जाकर बहुत बोलेंगी तेरी सास, और रिश्ते में लगी बहुत सारी सासें भी, लाडली ननदिया, देवर जेठ और कभी कभी ससुर जी भी। पर बेटी एक चुप 100 को हराता है, हार जाएगी एक दिन बोलते बोलते तेरी सास भी, और सीख लेगी चुप रहना, और एक दिन तू भी बन जाएगी सास। चुप्पी भाग दो। माँ आगे समझाती है, बेटी पति देव तेरे बहुत लंब तरानी हाकेंगे, अपनी प्रेम कथाओं के कई पुराण बाँचेंगे, उकसाएंगे तुमको भी, यह कहकर कि बला की खूबसूरत हो तुम भी, तो तुम पर भी भंवरे मडराते ही होंगे, घर से बाहर आते जाते सीटी रोज बजाते होंगे, कोई तो मन को भाया होगा, कोई तो नैन समाया होगा, होगा कोई जिसके कारण तुमने रातों की नींद गंवाई होगी, दिन का चैन गंवाया होगा। बेटे चुप रहना, सी लेना होठों को, अपने इतर संबंधों पर एक शब्द भी ना कहना, बेटी ये पुरुषों की दुनिया है, बेटी ये पुरुषों की दुनिया है, उनके साथ खून माफ, और तेरा नजर उठाना भी उनके संविधान के खिलाफ, तेरा नजर उठाना भी। चुप्पी भाग तीन। पिता यहां सिखलाता है अपने बेटे को, चुप रहना बेटा, चुप्पी में छुपे रह जाते हैं मूर्ख अज्ञानी अपराधी, चुप्पी में हर पाप छुप जाता है, बेटा चुप्पा यहां धीर गंभीर की संज्ञा पाता है, तुम लाख सिर पटक लो भगवान भी कब किससे बोलता बतलाता है, बेटा अपना तो कृष्ण भी 100 गालियां खाने के बाद हरकत में आता है। चुप्पी भाग चार। मां सिखलाती है, मेरी बच्ची चुप्पी लज्जा है, शर्मा कर चुप रहकर सामने से चली जाकर बेटी अपने बाप से बहुत कुछ कह जाती है, और बेटी चुप्पी बेशर्मी भी है, बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है, बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है। चुप्पी भाग पांच। पिता पुत्र को एक शब्द चित्र दिखलाता है, बेटा ये जंगल है यहाँ घनी घास, सघन झाड़ियाँ और लताओं से आच्छादित ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़ पर बना है मचान जिस पर लिए दुनाली चुप्पी साधी बैठा है बड़ा शिकारी, चुपचाप दबे पांव आता है जंगल का राजा, बंधे हुए मिमियाते बकरे तक चुपके चुपके दबे पांव आती है मौत, जंगल के राजा तक झटके से बकरे की गर्दन पर दांत गढ़ाता है जंगल का राजा, छटपटाता है बकरा, होती है आहट, धाए धाए चलती है दुनाली, उछल कूद गुर्राहट चीतकार तड़पन, और फिर पैरों को रगड़ते हुए सब कुछ शांत, गहन चुप्पी, बेटा चुप्पी बचाव है,
चुप्पी हथियार है, चुप्पी मौत है। चुप्पी छह। खुलते हैं चुप्पी के नए नए अर्थ। पिता समझाता है, बेटा यह दुनिया एक जंगल है, जहां व्यवसाय है, संस्थान है, सरकारें हैं, और उन पर पहले से ही जमे बैठे हैं सीनियर, जिनके हाथ में दुनाली है, कानून की और रैगिंग चालू है। यहां पर बचने का एक ही सिद्धांत है, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यहां खतरनाक होता है मुंह खोलना। चुप्पी एक बेहतर सीख है जिंदा रहने के लिए। चुप्पी साथ। मां कहती है, बेटी ससुराल एक जंगल है, जहां संबंधों की झाड़ियां हैं, रिश्तों के पेड़ हैं, जिन पर मचान हैं, जहां पहले से ही जमे बैठे लोगों के पास दुनालियां हैं, उनकी दो अर्थी बातें, और बेटी तेरे गले में रस्सी बंधी है, और बेटी तेरे गले में रस्सी बंधी है। चुप्पी आठ। चुप्पी एक कला है, लंबी रस्सी की, रस्सा कसी की, जिसमें दी जाती है ढील अपने विरोधी को, ताकि वे समझ बैठे स्वयं को विजेता और गर्व से बना ले रस्सी का फंदा और डाल ले अपनी ही गर्दन में। फिर झटके से खींच ली जाती है रस्सी बिना कोई आवाज किए। चुप्पी नौ। चुप्पी एक सम्मोहन है, अच्छा सा नाम है उसका मौन व्रत, जिसे रखता है कालिदास। हाँ, वही कालिदास जो काट रहा होता है उसी शाखा को जिस पर वह बैठा होता है। दिखाता है तथाकथित शास्त्रार्थ में एक के जवाब में दो उंगलियां, थप्पड़ के जवाब में घूंसा, और जीत ले जाता है स्वयंवर में विद्युत्मा। बंसी सी फंसी मछली सी तड़प कर रह जाती है विद्युत्मा, जब मधुयामिनी में उठ्र उठ्र चिल्लाता है कालिदास। मौन के अनर्थ का अर्थ करने में सक्षम होते हैं महापंडित। चुप्पी दस। चुप्पी एक साधना है, लोग साधे रहते हैं चुप्पी गली के गुंडों पर, शहर के माफियाओं पर, बाहुबली नेताओं पर, मंत्रियों पर, संतरियों पर, और उन सब पर जो खरीद सकते हैं इन सब को अपने पैसे के बल पर। लोगों को लगने लगता है कि दीवारों के भी उगाए हैं कान।